नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, जिंदल सॉ लिमिटेड की आज हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी का बेसिक ओवरव्यू क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या कहता है और इस कंपनी के चार्ट्स क्या कहते हैं। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा हमारी तरफ से बोनस टिप कि आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो किन लेवल्स को वॉच करना चाहिए, कहां से आपको एग्जिट करना चाहिए और कहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिंदल सॉ लिमिटेड अपने सेक्टर की एक पायनियर कंपनी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब अगर बात करते हैं पाइपलाइंस बनाने की, स्पेशली वो जब हम एनर्जी सेक्टर से इसको रिलेशन में लेके आते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वाटर हो, तो जिंदल सॉ लिमिटेड एक उभरता हुआ नाम सामने आता है। दोस्तों, 1984 में इस कंपनी की स्थापना की गई ओपी जिंदल ग्रुप द्वारा। उसके बाद से लेकर आज तक ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मेजर सेगमेंट मार्केट का कैप्चर कर रही है। अगर इसके क्लाइंट्स पर नज़र डाली जाए तो मेजर क्लाइंट्स में भारत पेट्रोलियम, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जिसको हम जानते हैं बहुत बड़ा नाम है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। दोस्तों, जिंदल सॉ लिमिटेड की अगर रीच की बात करें तो ग्लोबल रीच है जिंदल सॉ लिमिटेड की। जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में उसके प्रोडक्ट्स जाते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो हिंदुस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, हेडक्वार्टर्स उसका न्यू दिल्ली में है, भीलवाड़ा राजस्थान में उसका प्रोडक्शन हाउस है, सोलापुर महाराष्ट्र में उसका प्रोडक्शन हाउस है, बिल्लारी कर्नाटका में उसका है, नासिक महाराष्ट्र में हमारा प्रोडक्शन हाउस है। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात कीजिए तो अंगोला, गबॉन, नाइजीरिया, सेनेगल, मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, कहाँ कहाँ नहीं है, मतलब पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में भी ग्लोबल प्रेजेंस रखता है जिंदल सॉ लिमिटेड। आइए नज़र डालते हैं जिंदल सॉ लिमिटेड के फाइनेंशियल्स पे ताकि हम एक डिसीजन लेने में हमें आसानी हो कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। दोस्तों, आइए देखते हैं जिंदल सॉ लिमिटेड किस पीयर ग्रुप में आता है, वो उसके अलावा उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेल्समैन कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, BSL, छठे नंबर पे आता है जिंदल सॉ लिमिटेड जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2838 करोड़ के आसपास में है। एक नज़र अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डाला जाए तो बहुत सारी चीज़ें बखान होती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सेल्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ को दर्शाने का एक पैरामीटर है। अगर कंपनी में सेल्स है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी सिक कंपनी नहीं है, उसकी प्रोडक्शन जारी है, माल बिक रहा है, माल बिकेगा तो रिवेन्यू आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर से कुछ पैसा कंपनी की इन्वेस्टमेंट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर होंगी, नया सेटअप लगेगा, कुछ ना कुछ हो रहा है। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है सेल्स। चलिए देख लेते हैं सेल्स यहाँ क्या है। अगर जून 2018 से देखा जाए जहाँ 2761 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वहीं दिसंबर 2019 तक आते आते 2988 करोड़ की सेल्स हैं। दोस्तों, जून 2018 में जहां 2761 करोड़ की सेल्स हुई, वहीं मार्च 2019 के आते आते 3438 करोड़ की सेल्स हुई, जो लगातार गिरनी स्टार्ट हुई। जून 2019 में 3000 करोड़ की रह गई, सितंबर 2019 में आके 2680 करोड़ की सेल्स रह गई, दिसंबर 2019 में आते आते उसने अपनी सेल्स को बढ़ाया है 2988। अब जो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च होगा उस पर विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो इसने पिछले क्वार्टर जहां से 340 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, वहीं से उसने बढ़ के 380 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, वो भी पिछले साल जो 89 करोड़ का था, वो बढ़ के 109 करोड़ का हुआ है। एक नज़र डाल लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर में क्या कहता है। सेल्स जहां आप मार्च 2018 पिछले साल एंडिंग मार्च 2018 की बात करें, 8507 करोड़ की टोटल सेल्स थी, वहीं मार्च 2019 एंडिंग 12117 करोड़ की सेल्स में काफ़ी बढ़िया जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1038 करोड़ से बढ़ के 1463 करोड़ 1463 करोड़ हुए हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल एंडिंग मार्च 2018 में जहां 178 करोड़ का था, वहीं मार्च 2019 एंडिंग में 850 करोड़ का एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट किया इस कंपनी ने। तो सो किसी भी कंपनी को अगर देखना है कि उस कंपनी में मजबूती कितनी है, उस कंपनी में क्या दमखम है, तो उसके रिजर्व्स को देख के एक आइडिया लग सकता है। दोस्तों, हमने हमेशा से एक चीज़ सुनी है, समझी है कि अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, कंटिनजेंसी रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक बुरे वक्त का सामना कर सकते हैं ठीक ठाक से रिजर्व्स को मेंटेन करने के बाद। इस कंपनी के पास रिजर्व्स की अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो 2224 करोड़ के रिजर्व्स आज बढ़ के 6573 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं,
और अगर ग्राफ को देखा जाए तो साल दर साल ये कंपनी अपने रिजर्व्स में एडिशन कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है, एक बहुत अच्छा साइन है। अगर कैश फ्लो को देखा जाए तो कैश फ्लो भी 565 करोड़ से बढ़ के 1567 करोड़ का हुआ है। दोस्तों कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी कंपनी को जज करने के लिए कि उस कंपनी में जो पैसा है उस पैसे का फ्लो कैसा है, मतलब कंपनी एक्टिव है या नहीं। सिंपल टर्म्स में ये जानने का सिंपल तरीका है उसके कैश फ्लोज को देखने का। देखिए, जहां कैश फ्लो मार्च 2018 में 565 करोड़ का था, वहीं मार्च 2019 अर्निंग में 1567 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ है। आइए नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जैसा मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी कहा है कि एक ऐसा आईना है जिससे ये समझ में आता है कि उस कंपनी में निवेशक कौन कौन है, उस पर कौन कौन दाव लगा रहा है, उसमें किस किस का कॉन्फिडेंस है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस हम देखते हैं प्रमोटर्स का कि क्या उसको अपनी कंपनी में भरोसा है कि नहीं, क्या प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी अपने पास रखी है कि नहीं रखी, क्या प्रमोटर्स अपनी इक्विटी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, एक अच्छा सा हिंट हमें मिल जाता है। वहीं दूसरा जो मेजर इन्वेस्टर रहता है वो रहते हैं FIIs एंड FPIs। दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 63.02% इक्विटी प्रमोटर्स ने अपने पास होल्ड करके रखी है। वहीं अगर FI और FPIs को देखें तो वो स्लाइटली अपनी इक्विटी को इंक्रीज करते दिखाई दे रहे हैं। जहां जून 2019 में उनकी इक्विटी का परसेंटेज साइज 10.25% था, वहीं उन्होंने सितंबर एंडिंग 2019 में अपनी इक्विटी को 10.57% किया। मतलब जो FIs है, जो काफी अच्छी रिसर्च के बाद किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपनी इक्विटी को बढ़ाया है। आइए नजर डाल लेते हैं उसके चार्ट पे। ₹2 की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ₹50 से लेके 150 से 160 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से। अगर हम अपने सीक्रेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें और देखें कि आने वाले साल में हमें क्या लेवल्स निकल के आते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों सीक्रेट कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री दिया जाता है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर वेंडर्स हैं जो अपने कैलकुलेटर को सेल करते हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये टूल एब्सोल्युटली फ्री है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि दिस इज नॉट एट ऑल ए टिप एडवाइजरी, मतलब इसमें मैं आपको कोई ऐसी टिप या एडवाइस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी एनालिसिस जरूर करें, इन लेवल्स पर ट्रेड अगर करना भी है तो अपनी एनालिसिस कर लें, अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। आइए देखते हैं सीक्रेट कैलकुलेटर क्या कहता है। क्लियर इंडिकेशन है कि 75 रुपीज़ का एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है पूरे साल के लिए और मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 105 का। अगर जिंदल लिमिटेड 105 रुपये के बैरियर को तोड़ देता है, क्रॉस करते हुए एक ब्रेकआउट देता है, तो 147 को भी टच कर सकता है। इस पूरे साल के लिए अच्छी खासी रिटर्न हो सकती है, पर अगर 75 रुपीज़ को मेंटेन नहीं करता है, 75 रुपीज़ से नीचे चलता है, सेलिंग आती है, तो 54 रुपीज़ तक जाने के चांसेस हैं। बट अगर यूनियन बजट 2020 को देखा जाए, जहां पे हम गैस लाइंस के 27,000 किलोमीटर के नेटवर्क को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां जिंदल सॉ लिमिटेड एक अच्छा खासा मेजर प्लेयर बनने वाला है, वहां एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये आने वाला टाइम है जिसके लिए जिंदल सॉ लिमिटेड की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना ना भूलें।